ठेकेदार साहब क्या है भाई? अभी है क्या हुआ? अभिषेक तिवारी कहाँ घर है जी? हम नहीं होंगे नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं द न्यूज रेवोल्यूशन और इस वक्त में यहाँ की स्थित माननीय मंत्री जी के आवास के पास उपस्थित हूँ और आज सड़क शिलान्यास कार्यक्रम का आयोजन किया गया है माननीय वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव जी के हाथों और यहाँ के जो स्थानीय मुखिया है वो भी यहाँ पर उपस्थित है। हम उनसे भी बात करेंगे और ये सड़क जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ की रजवाड़ी रोड से NH-75 रांची रोड भया हाउस ऑफिस ये पूरा रूट है, इसमें लिखा हुआ कहाँ से कहाँ तक ये सड़क निर्माण का शिलान्यास किया गया है। हम बात करेंगे, पहले हम बाबा से ही बात करेंगे। बाबा जो है सबसे पहले आपका द न्यूज रेवोल्यूशन में और आज आपके हाथों आपके कर कमलों से सड़क का शिलान्यास किया गया, इसके अलावा और क्या मन में चल रहा है कि यहाँ चियाकी के लोगों के लिए और खासकर पलामू में बहुत से रोड बन रहा है? चियाकी में बहुत से रोड बन रहा है, चियाकी में पहाड़ का सौंदर्यीकरण करवा रहे हैं। पिछले साल 500, फिर इस बार बरसात में पिछले बरसात में 500, इसी तरह से हर साल 500 के हिसाब से प्लांटेशन होगा। और इसमें एक तरह से पुराना जैसा जो पहले रूप था इस पहाड़ का, जंगल थे, इसमें बड़े बड़े पेड़ थे, मोटे मोटे पेड़ थे, वैसे ही स्वरूप दिया जा रहा है। एक शहर वालों के लिए एक बेहतर जगह हो जाएगा, पिकनिक मनाने के लिए आएंगे, बच्चे देखेंगे। और अभी आपके कर कमलों से ही चियाकी पहाड़ में जो एक अच्छा सा पार्क का निर्माण हुआ और अभी चियाकी में या फिर पलामू में सांस्कृतिक केंद्र के लिए भी कहीं न कहीं आपने पहाड़ के पास ही 3 करोड़ के लागत से एक सांस्कृतिक बनने वाला है। विलम्ब हो रहा है थोड़ा सा, लेकिन इलेक्शन के बाद उस बनना शुरू हो जाएगा। एक बेहतर जगह होगा पूरे जिले के लोगों के लिए, बड़ा भवन होगा और उसमें बहुत सारे कार्यक्रम किए जा सकेंगे। और एक दादा, और जैसे दुबियाखाल में जो मेला आयोजित होती है वहाँ पे आपने कला संस्कृति के लिए कहा था कि 500 कम से कम बैठने के लोगों की एक जगह की हॉल का निर्माण करवाएं, क्या उस पर कुछ पहल चल रही है? नहीं, पहल चल रही है, मिथिलेश ठाकुर जी उसमें लगे हुए हैं, हम भी लगे हुए हैं, उसमें जल्दी ही कुछ होने की संभावना है। चलिए अब मैं स्थानीय मुखिया हमारे बीच हैं बिंकू राव जी, इनसे भी बात करेंगे। क्या सहयोग रहा आज बाबा का इस उद्घाटन शिलान्यास कार्यक्रम के जरिए? बाबा का यहाँ पे बहुत ज़्यादा सहयोग है क्योंकि अभी देख रहे हैं कि हर जगह खासकर चियाकी पंचायत का जो है रूप रंग जो है पहले जैसा था उस तरह से नहीं है। अभी डेवलपमेंट होते जा रहा है और जिस भी विभाग से मतलब फंडिंग्स आ रहे हैं वो धरातल पर उतारे जा रहे हैं और बाबा के द्वारा और बहुत सारे चीज़ मतलब रोड्स वगैरह अभी इस साइड में भी है, आपका रोड के उस साइड भी जाइएगा तो उस साइड भी एक नया रोड के लिए किया हुआ है और फिर करंट में एक और रोड इस रोड से पीछे में है वो भी है। तो आपका ये पाकी रोड होते नहीं 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 आपका महादेव मड़ा बोलते हैं उसको, महादेव मड़ा में आपका है जो कि आपका निकल रहा है स्थल है दुवर पार वहाँ तक है। तो वो अभी मतलब कि हम लोग को बहुत अच्छा लगता है कि कहीं ना कहीं से डेवलपमेंट हो रहा है, हम लोग पंचायती राज से भी प्लस में बाबा अदर जगह से भी, तो जितना मतलब अपने पंचायत को डेवलप अभी के दौर में हम लोग कर सकेंगे कहीं ना कहीं से तो उसको हम लोग आगे बढ़ाते रहेंगे और अपने पूर्वजों का जो देन है उसको आगे तक हम लोग बढ़ाएंगे। चलिए, आज पारिवारिक मुलाकात हुई है, औपचारिक मुलाकात, कुछ खास बातचीत हुई बाबा से? हाँ, घर का परिवार का हम लोग का हमेशा से मतलब होता है कि हम लोग जब भी बाबा आते हैं तो स्पेशली परिवार से हम लोग मिलते हैं, आते हैं जो नॉर्मल वे में चलता है। अदर जगह देखिएगा ऐसा नहीं है कि हम लोग अब दादाजी मंत्री हैं तो कुछ अलग वे में चलेंगे, वैसा नहीं। ठीक है, ठीक है, चलिए, जानकारी देने के लिए धन्यवाद आपका। अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कराना। हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम व पब्लिक ऐप पर द न्यूज रेवोल्यूशन लिखकर सर्च करें।